कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। यहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी सूरज रमोला ने 17 वोटों से निर्दलीय संजय जोशी को हराकर अध्यक्ष पद पर बाजी मार ली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को 5 साल बाद कुमाऊं के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज में अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा मिला है। चुनाव जीतने के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कॉलेज प्रशासन ने शपथ दिलाई। छात्र संघ चुनाव में 37% छात्र छात्राओं ने मतदान किया। उपाध्यक्ष पद पर अमन सिंह भिष्ट, छात्रा उपाध्यक्ष पद पर कविता बोहरा, सचिव पद पर कमल सिंह बोहरा, संयुक्त सचिव पद पर विवेक मिश्रा, कोषाध्यक्ष पद पर सौरभ भिष्ट और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के पद पर गौरव कार्डपाल ने जीत दर्ज की। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। विजय को मैं इस तरह से देखता हूं कि मेरे संगठन के शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार है और मेरे सभी कार्यकर्ताओं का, हल्द्वानी इकाई के और नैनीतालपुरी जिले की इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरे साथ लगे हुए सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता और मेरे साथी मेरे मित्रगण, उन सभी को इस जीत का श्रेय जाता है। और दूसरी मेरे गुरुजन जिन्होंने मेरे को लगातार सहयोग किया, यहाँ पर हर थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे विषयों पर मार्गदर्शन दिया, उनका भी बहुत सारा धन्यवाद है। और मैं जिन विषयों को लेकर इस चुनाव में उतरा था उन सभी मुद्दों पर मैं कार्य करूँगा और छात्र छात्राओं की हर उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरा प्रयास करूंगा। पूर्ण छात्र शक्ति ने अपना पूर्ण समर्थन दिखाया, अपना पूरा प्यार दिया मुझे छात्र शक्ति ने। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा छात्र शक्ति ने जिन्हें मुझे अपना नेतृत्व करने का मौका दिया। मैं सदैव उनकी प्रथम पूर्ण पंक्ति में जो भी सहायता होगी मैं सदैव उनके लिए खड़ा रहूंगा। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी पूरी छात्र शक्ति का जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और समर्थन दिया। और धन्यवाद देना चाहूँगा अपने संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिन्होंने मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास जताया और मैंने आज 1064 वोटों से इस कॉलेज के अंदर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ फतेह हासिल की है, जीत हासिल की है। मैं लगभग 400 समथिंग अराउंड वोटरों से विजयी हुआ। मैं समस्त छात्र छात्राओं को शुक्रिया करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी इतनी कठिन परिस्थिति में मेरा साथ दिया उनने। मेरी इतनी नेगेटिविटी भी बीच में काफ़ी चीज़ें चल रही थी मेरे बारे में, उनने मेरा फिर भी साथ दे के मेरे मतदान किया मेरे को। तो प्लीज़ आप सबका धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो समस्त छात्र छात्राओं और गुरुजनों का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ जो मेरे छोटे भाई बहन और यहाँ एमबीपीजी के छात्र छात्राओं ने मुझे इतना प्यार दिया। मैं बहुत 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 धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ उनका। मैं लगभग क्लियर तो नहीं पता, 1200-1300। मैं विजयी छात्रों को भी बधाई देता हूँ और जो छात्र इसमें विजयी नहीं प्राप्त कर पाए उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य में आप प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि ये एक गेम है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए। और मैं विजयी छात्रों को बधाई देते हुए ये कामना करता हूं कि आप हल्द्वानी शहर में भी शांति बनाए रखेंगे। विजय जुलूस तो हमारी लिंगदोह कमेटी के अंतर्गत मना है, लेकिन आप नारेबाजी करेंगे तो आपसे मैं शांति की अपील करता हूं। और महाविद्यालय परिवार के समस्त प्राध्यापकों को, कर्मचारियों को, पत्रकार बंधुओं को साधुवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने हमें सहयोग किया, आपके सहयोग के बिना ये कार्य संभव नहीं हो पाना था। और सभी स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ।